हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारे से फ्लावर खिले हुए हैं। तो उससे पहले भी मैंने एक विंटर ओवरव्यू दिया था अपने टेरेस फ्लावर का, पर उस समय ज़्यादा फ्लावर नहीं खिले हुए थे और कलियां आई थी। तो अब इस पॉट में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्लावर भरे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा दूर से दिखा रही हूँ जैसे कि आपको सारे फ्लावर दिख जाएँ। तो सारे फ्लावर एकदम भरे हुए हैं ये पूरे पॉट, और अभी भी फ्लावर बड्स हैं इसके अंदर। तो उस समय ये फ्लावर बड्स थी लेकिन फ्लावर नहीं खिले हुए थे, तो ऐसा सब लुक समझ में नहीं आता है। और एस्टर भी अच्छे से खिल गए हैं जो मैंने इस पॉट में नीचे की साइड में लगा रखे थे। तो एक पहले व्यू दे देती हूँ जितने कि सारे फ्लावर खिल रहे हैं। रोज़ भी बहुत अच्छे से खिलने स्टार्ट हो गए हैं और खिले हुए हैं इस समय। तो ये मिनिएचर रोज़ की वेराइटी है। तो मैंने पहले जब ओवरव्यू दिया था तो उसमें मेरे फ्लावर नहीं अच्छे से खिले हुए थे, सिर्फ खाली बर्ड्स आई थी इस प्लांट के अंदर, और अब सारी फ्लावर खिल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर करूं कि देखिए अब बहुत सारे फ्लावर खिलने लगे हैं रोज़ में मेरे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जब खिले होते हैं ढेर सारे पॉट में फ्लावर तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी बर्ड्स थी सब फ्लावर खिलने लगे हैं, और अभी भी बर्ड्स हैं इसके अंदर। में 11 बर्ड्स आई हुई थी और फ्लावर भी आप देख सकते हैं खिल चुके हैं। तो 11 फ्लावर एक साथ खिले हुए हैं, बर्ड्स भी मैंने इसमें इंक्लूडेड करी हुई हैं। तो छोटा सा प्लांट है, बहुत ही प्यारे फ्लावर देता है, और इसके फ्लावर काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहते हैं, समझ लीजिए 10-15 दिन तक ये ऐसे ही टिके रहते हैं। उसके बाद ये ख़राब होना स्टार्ट होते हैं। इसमें कोई भी फ्रेगनेंस नहीं आती, बस ये देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो डेकोरेशन बहुत अच्छा करते हैं गार्डन का। इसमें भी मल्टी शेड आते हैं। तो मेरे पास रेड की दो वेराइटी है, एक तो ये है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी रेड की वेराइटी है, और एक डार्क रेड की वेराइटी, ये थोड़ी सी मैरूनिश कलर लिए हुए है और एक डार्क रेड की है। ये सेकंड प्लांट आ गया मिनिएचर रोज़ का, और इसमें 9 बर्ड्स आई थी। तो अभी जो फ्लावर खिल रहे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। और मैंने इसके केयर पर वीडियो भी बनाया है, साथ में फर्टिलाइज़र का भी वीडियो बनाया है कि क्या मैं फर्टिलाइज़र विंटर में यूज़ करती हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो वो फर्टिलाइज़र मैं दोनों मिलाती हूँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। तो जितने भी फ्लावर होते हैं रोज़ में तभी अच्छे से आते हैं जब आप उनको टाइमली फर्टिलाइज़र देते हैं, क्योंकि जब एक बार वो फर्टिलाइज़र ले लेता है तो वो उतने ही फ्लावर दे देता है, उसके बाद फिर उसको नीड पड़ती। तो हम लोग समझते कि अरे एक बार हमने दे दिया तो काम हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। उसको जब आप फ्लावर ओवर हो जाए तब आप फिर से एक बार उसको फर्टिलाइज़र दीजिए, तभी ये फ्लावर बहुत अच्छे से करते हैं, वरना तो इनमें फिर धीमे धीमे या कम कम ही फ्लावरिंग आती है। और फुल सनलाइट इसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि थोड़ा अगर सेमी शेड एरिया में रख देंगे या जहाँ पे सम धूप कम आएगी तो फिर फ्लावर अफेक्ट करते हैं, फ्लावर भी कम हो जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र और सनलाइट प्रॉपर इसको देनी चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग अच्छी करते हैं। ये वाइट वाला आ गया, ये वाइट बहुत ही प्यारे से लगते हैं इसके फ्लावर, और ढेरों फ्लावर ये देता है। फ्लावर टेंडेंसी बहुत देने की होती है, और बहुत ही प्यारे फ्लावर लगते हैं इसके मुझे वाइट वाइट से। वाइट और पिंक मिक्स है थोड़ा सा इसके अंदर, प्योर वाइट नहीं है ये। तो देसी वैरायटी आ गई रोज़ की, तो इसमें भी बहुत ही प्यारे से बर्ड्स आई हुई हैं और फ्लावर खिले हुए हैं। तो इसमें भी 11 बर्ड्स आई थी अच्छे से, और अभी तो दो फ्लावर ओवर भी हो चुके, और कितने बड़े बड़े फ्लावर हैं आप देख सकते हैं, अच्छे एकदम घने घने से इसके अंदर पेटल्स हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि झुके रहते हैं नीचे की तरफ। और अभी भी देखिए इसमें 4 बर्ड है, मतलब ये एक साथ 4 बर्ड देता है, पहले ये फ्लावर खिलेगा फिर ये ऐसे खिलते हैं इसके अंदर। और अभी भी इसमें देखिए 3 फ्लावर दे रखे हैं नीचे के साइड में, अभी इसमें भी खिलना बाकी है। एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा, और 2 ओवर हो चुके हैं तो वो नीचे पड़े हुए हैं। और इस प्लांट ने भी 9 बर्ड्स दे रखी हैं, तो सिर्फ फ्लावर अभी एक खिला हुआ है, बाकी सब बर्ड्स आई हैं अच्छे से। तो जितनी अच्छी धूप मिलती है उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करते हैं। और ये छोटू सा एस्टर खिला हुआ है, बहुत ही प्यारा फ्लावर है इसका, लाइट पिंक शेड है। और मैंने छोटे से पॉट में एक ही प्लांट लगाया था, और छोटे से ही प्लांट ने फ्लावर दे दिया, उसमें एक फ्लावर बर्ड और भी है। तो ये खिल चुका है और एक ये खिलने वाला है, तो अभी ये नहीं खिले थे उस समय और अब खिल चुके हैं। तो बहुत ही प्यारे शेड आए हैं इसके अंदर, और भी शेड दिखाती हूँ मैं एस्टर के।
तो आप ये देख सकते हैं ये डार्क पिंक शेड है, बिल्कुल मजेंटा शेड कह सकते हैं। ये फिर से पिंक आ गया और ये लाइट पिंक शेड है, तो और एक पर्पल भी खिला हुआ है, तो बहुत ही प्यारे फ्लावर खिले हैं। जब मैं लाई थी तब मैं सैपलिंग लाई थी तो मुझे फ्लावर का कलर का कोई भी आइडिया नहीं था। मैंने इस बकेट में भी इसके प्लांट लगाए हुए हैं, तो देखिए बड्स हैं इसके अंदर और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा मजेंटा शेड का फ्लावर खिला हुआ है। और ये देखिए बड खिलने वाली, लगता है कि बिल्कुल वाइट खिलेगा पर जैसे जैसे ये खिलना स्टार्ट होता है वैसे वैसे जैसे धूप लगती है तो ये अपना रंग लेने लगता है। तो बड़ा मुझे लगा कि सब वाइट ही वाइट खिलेंगे, पर जब देखा कि नहीं इसमें कलर आने लगे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये पर्पल आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा पर्पल का शेड है और इसके अंदर पिंक भी खिला हुआ है, तो इसे काजरी पिंक कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, एक पर्पल और भी खिल रहा है। जितने भी मैंने ये लगा रखे थे सब अच्छे से खिले हुए हैं, तो अब इन्हें बहुत अच्छे से धूप मिलने लगी है तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये तो पूरा पिंक का ही भर गया है, पूरा पिंक पिंक फ्लावर से भरा हुआ है। तो मेरे पास पॉट नहीं थे तो मैंने इसमें कई प्लांट लगा दिए थे, एक दो तीन, इसमें तीन या चार प्लांट लगे हुए हैं और सब में बहुत अच्छे से फ्लावर हो रही है। और भी फ्लावर बड्स भी हैं देख सकते हैं आप, तो बहुत ही प्यारा फ्लावर मुझे लगा, तो बहुत सुंदर से खिल रहे हैं इसमें एस्टर। और इसमें भी खिलना स्टार्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट वाइट दिखते हैं और जब धूप पड़ती है तब इनमें कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी पिंक खिलेगा और एक बहुत छोटू सा खिला हुआ है नीचे की तरफ, ये देख सकते हैं आप। ये एस्टर का फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से खिले हुए हैं, चारों तरफ इसके अंदर फ्लावर आए हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम पिंचिंग कर देते हैं तो बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग बनती है, मतलब अच्छे से ब्रांच बनते हैं आप देख सकते हैं। तो कितना घना आया हुआ है और कितने फ्लावर एक साथ खिले, वो फ्लावर प्लांट देख सकते हैं कितना छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। पर मैंने इसमें पिंचिंग कर दी थी तो जहाँ जहाँ से कम चार बड्स निकली हुई हैं, नहीं पाँच है, तो चार फ्लावर खिले हुए हैं और एक ये बड है, तो बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग दी है। और ये मैंने हैंगिंग पॉट में लगा रखा है, तो आप इसे रेलिंग पॉट भी बोल सकते हैं, तो ये मैंने ऐसे टांग रखे थे। बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसका लुक तो बहुत ही सुंदर है। पिनिया भी फ्लावर बड दे रहा था उस समय और देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर येलो शेड का खिला हुआ है। जितने भी मल्टी शेड्स के हैं तो इस समय ये खिला हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बड़े प्यारे शेड लगते हैं गजेनिया के। तो ये भी मैं 10-10 रुपीज़ की सैपलिंग ही लाई थी, तो ये मैंने ऐसे लगा रख दिया। इसमें मैंने तीन या चार प्लांट लगाए हुए हैं इस पॉट में, तो मल्टी शेड ही खिलेंगे, तो अभी तो येलो खिला हुआ है। प्यारी फ्लावरिंग होती है लूपिन के भी, इसमें भी मल्टी शेड आते हैं पर मेरे पास ये पर्पल शेड में है, तो इसमें जितने भी मैंने प्लांट लगाए सब पर्पल पर्पल खिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लूपिन के फ्लावर भी अच्छे लगते हैं, इसमें भी मल्टी शेड आते हैं, पिंक और वाइट शेड आता है, रेड शेड भी आता है, पर्पल भी मैंने देखा है नेट के ऊपर, तो ये सब पर्पल खिल रहे हैं लेकिन बड़े प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल स्पाइक में फ्लावर दे रहे हैं। इस तरह से कुछ लुक आ रहा है, बिल्कुल नीचे रखा हुआ है पॉट, तो इस तरह से लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो डॉग फ्लावर ये बहुत अच्छे से खिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये पिंक शेड के ही हैं डॉग फ्लावर। और पॉपी तो बहुत ही प्यारी खिली हुई है और मार्गरेटा के भी फ्लावर बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं। और ये पैंजी, तो पैंजी भी उस समय नहीं खिली हुई थी, तो अब बहुत ही प्यारी सी पैंजी खिलने लगी है, तो बहुत ही प्यारा फ्लावर है ये पर्पल शेड का, ये प्योर पर्पल शेड है। और ये हाइब्रिड पैंजी है जिसमें बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, और छोटे वाली पैंजी तो मैंने आपको दिखाई थी, तो वो कुछ समय थोड़े बहुत खिल रही थी पर प्रॉपर अभी नहीं खिली है अच्छे से। और ये ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बटरफ्लाई लुक देते हैं पैंजी के फ्लावर। तो मैंने इसके 4 शेड लगाए हुए हैं, ये मैरून शेड में है और ये कॉमन सा येलो शेड, तो बहुत ही अच्छा रहता है, पिछली बार भी मैंने येलो लगाई थी। और इस पॉट में भी फ्लावर अच्छे से खिल चुके हैं, तो एस्टर भी बहुत ही प्यारा सा खिला हुआ है, बर्बीना भी खिल गया है, साल्विया तो खिला हुआ था लेकिन कम खिला था, फ्लॉक्स भी खिल चुके हैं पीछे की साइड, बहुत ही प्यारे से 3 फ्लावर अच्छे से खिले हुए हैं क्योंकि ये बंच में फ्लावर देते हैं। और ये कॉर्न फ्लावर है, इसके भी बहुत ही प्यारे फ्लावर आते हैं, आप देख सकते हैं पिंक शेड का ये पूरा प्लांट बिल्कुल फ्लावरों से, फ्लावर बड से भरा हुआ है। और ये कितना प्यारा सा इसका फ्लावर खिलता है, ऐसे इसका ब्लू शेड भी आता है,
तो ये ब्लू माला भी मैंने इसमें लगाया हुआ है। तो अभी ये फ्लावर ओवर हो गया, पर अभी इसकी फ्लावर बड है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने फ्लॉक्स का इंडिविजुअल पॉट बनाया हुआ है, इसमें भी मैंने तीन शेड लगा रखे हैं। तो ये आप पिंक देख सकते हैं, वाइट देख सकते हैं, और एक पर्पल खिला था तो वो अभी ख़त्म हो गया है इसका फ्लावर। तो ये भी बहुत ही प्यारे से खिले हुए हैं, उस समय नहीं खिल रहे थे अच्छे से। और इस बड़े पॉट में भी फ्लावर बड थी पॉपी की, तो फ्लावर दो खिल गए हैं बहुत ही प्यारे से। और इधर कैलेंडुला के भी फ्लावर बहुत अच्छे से खिल गए हैं। तो बड्स तो बहुत आ गई थी, लेकिन उस समय से फ्लावर नहीं खिल रहे थे। तो अब ये पॉट ने भी अच्छे से फ्लावर देना स्टार्ट कर दिया है। और ये हॉली हॉक में भी फ्लावर बड आई है नन्ही सी छोटी छोटी सी, तो ये भी अब फ्लावर बड देगा, मतलब सॉरी फ्लावर देगा। और साल्विया भी खिलने लगे हैं, तब एक ही फ्लावर खिला हुआ था एक ही पॉट में, तो ये भी अब खिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो लास्ट का एक व्यू देती हुई सभी फ्लावर्स का, थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।